नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अरुण कुमार सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एटीट्यूड की। फ्रेंड्स, एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन आवर लाइफ। फ्रेंड्स, ये जनरली देखा गया है कि हम अपने एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपने जनरली सुना होगा कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। मैं आपको ये एटीट्यूड एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। एक सेल्स मैनेजर ने दो सेल्स एग्जीक्यूटिव को कहा कि ये जूते तुम्हें बेचने हैं। तो एक व्यक्ति, एक सेल्समैन कहता है कि वहां तो जूते कोई पहनते ही नहीं, इसलिए ये जूते वहां बिक नहीं सकते। वही दूसरा सेल्समैन कहता है, चूंकि वहां लोग अभी जूते नहीं पहनते तो यहां जूते बिकने की ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा संभावना है, तो हम वहां ज्यादा जूते बेच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज एटीट्यूड। मींस यू हैव टू सो योर एटीट्यूड दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें पॉजिटिव रहना है। सो फ्रेंड्स, जब हमें कोई भी परेशानियां आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम क्रैक कर जाते हैं, हम उसमें बहुत सी निगेटिविटी खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं उस समस्या में भी अपॉर्चुनिटी खोज लेते हैं। तो आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है तो हर प्रॉब्लम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। योर प्रॉब्लम विल टर्न इनटू अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स, योर एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस। आपका एटीट्यूड जैसा है आप वैसा सक्सेसफुल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन आवर एटीट्यूड। हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना होगा, हमें अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव कराना होगा। एंड एटीट्यूड हमारे हाथ में है। हम हर चीज में अच्छाई देखें, हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें पॉजिटिव चीजों को खोजने का प्रयास करें। कि कहा जाता है, एवरी बिहेवियर हैज पॉजिटिव इंटेंशन। जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है, जो भी चीजें आपके साथ कोई भी व्यक्ति कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई एक पॉजिटिव थिंग है जो आपके बेस्ट को निकालने के लिए तैयार है। और आपका एटीट्यूड आप में बेस्ट निकाल के बाहर लाएगा एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपको सक्सेस चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज द वे यू सी योरसेल्फ। आप कैसा देखते हैं, आप अपने सिचुएशन में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज एटीट्यूड। यहाँ जनरली देखा गया है कि हम हमेशा किसी न किसी चीजों को लेके, इस समाज को लेके, इस पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। कंप्लेनिंग इज अ नेगेटिव एटीट्यूड बिहेवियर। अगर हम बार बार कंप्लेन करते हैं, हम वैसा ही बनते हैं। वी आर अट्रैक्टिंग दोज कंप्लेंस। अगर हम उन कंप्लेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस हमसे दूर जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति वर्ल्ड में नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ हो। सो फ्रेंड्स, देयर इज नो फेलियर इन लाइफ, ओनली देयर इज फीडबैक। हम फेल करते हैं, हम वहां से कुछ सीखते आगे बढ़ जाते हैं। So, इसलिए कहा जाता है, देयर इज नो फेलियर, ओनली लर्निंग एंड मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। आप कुछ भी, आपके साथ कुछ भी निगेटिविटी होती है, आप वहां से सीखिए, आगे बढ़ जाइए। आप कोई काम शुरू करते हैं, आप उस काम में फेल हो गए, बस वहां से सीखिए और आगे बढ़ जाइए। और ये ताकत आपको आपके एटीट्यूड से आएगा। दैट्स वाई एटीट्यूड इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर लाइफ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनग्रेडियंट इन आर लाइफ। ये हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इनग्रेडियंट है। इसके बिना सक्सेसफुल बनना हाईली इम्पॉसिबल है। हमें अगर सक्सेस को पॉसिबल बनाना है तो हमें अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना होगा। वी हैव टू सी पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिविटी देखनी है। देयर इज पॉजिटिविटी एवरीवेयर। अगर आप दौड़ रहे हैं, गिर गए, तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है।
इनवर्स आपको पॉजिटिव चीज देना चाहता है, आपके लाइफ में बड़ी सक्सेस को देना चाहता है। आपको इसलिए उस समय गिराया गया कि ऐसा ना हो कि आप छोटी सी सक्सेस को लेकर ही खुश हो जाए और आगे सक्सेस के लिए नहीं बढ़े। सो देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस। ऐसा जनरली देखा गया है कि हम बस के लिए वेट करते हैं और बस में भीड़ आते हैं, एक बस पार हो गया, दो बस पार हो गया, तीन बस पार हो गया और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए एंड आप अपने एटीट्यूड को बनाए रखिए। देयर मे बी चांसेस दैट बस में भीड़ आ रही है, आपको नेक्स्ट आने वाली गाड़ी कैब आपको लिफ्ट दे दे। और ऐसा जनरली देखा गया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुतों बार देखा है। मैंने बस और ऑटो के लिए बहुत प्रयास किया, आई डिडंट गेट एनीथिंग। और एक कैब वाला खुद से रुक के पूछता है आपको कहाँ जाना है। सो दिस इज पॉसिबल। हमें अपने एटीट्यूड को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखना है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें सक्सेसफुल बनाएगा। सो फ्रेंड्स, नेपोलियन हिल की बुक लिखी है सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इट्स अ नाइस बुक, इट्स अ वंडरफुल बुक। इफ एट ऑल पॉसिबल गो थ्रू इट। आप इस बुक को पढ़िए, आपके सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, आप सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सक्सेस जरूर आएगा इफ यू आर पर्सिस्टेंट इनफ। आपको पर्सिस्टेंट होना होगा। पर्सिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। बिना पर्सिस्टेंसी के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। किसी ने कोई भी ऐसे महान व्यक्ति नहीं हुए हैं जो एक बार में सक्सेसफुल हो गए हो। उन्होंने भी फेलियर का स्वाद अनेकों बार सहा, बट उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा। सो हमें अपनी एटीट्यूड को बनाए रखना है और सक्सेसफुल बनना है। बिकॉज सक्सेस इज योर चॉइस, सक्सेस आपका चॉइस है। अगर सक्सेस आपका चॉइस है तो आपको एटीट्यूड बना के रखनी होगी एंड एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट नेगेटिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, जनरली देखा गया है कि लोग अधिकतर समय अपने एटीट्यूड को बनाए रखते हैं, लेकिन जब जरूरत सी, सबसे ज्यादा जरूरत थी एटीट्यूड की, वो वहां क्रैक कर जाते हैं और वहां से पीछे आ जाते हैं। एटीट्यूड ही आपको इतना पावर देगा कि यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। इफ यू हैव नाइस एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, यू विल कीप ऑन मूविंग। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप सक्सेसफुल बन के ही रहेंगे। आपको आपके सक्सेस के मार्ग में कोई रोड़े नहीं आएंगे, कोई बाधाएं नहीं आएंगी, आप सक्सेसफुल जरूर ही बनेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर सक्सेसफुल बनना है तो आज ही से अपने एटीट्यूड पे काम करना शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उनके भी साथ शेयर कीजिए। अपने एनिमीज के साथ भी शेयर कीजिए, जिनको आप लाइक नहीं करते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ अबंडेंस इज दैट अगर आप जिनको नहीं चाहते हैं उनके लिए भी अबंडेंस अगर मांगेंगे तो इनवर्स आपको ज़्यादा अबंडेंस देगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट यू शुड आस्क फॉर अबंडेंस फॉर अदर्स ऑल्सो, जिनको आप चाहते हैं या जिनको नहीं आप चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो वैसे लोगों के साथ भी शेयर करें जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। मैं नफरत वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप बहुतों को कम पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ बदलाव आए और आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। बिकॉज इनवर्स ऑलवेज गिव्स व्हाट यू आस्क फॉर अदर्स। आप जिस जो दूसरे के लिए मांगते हैं वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि इसमें आपकी भी पुकार होती है, आपको भी मिलेगा जो आप दूसरे के लिए मांगते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें अपनी एटीट्यूड को बनाए रखनी है एंड विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। सो सक्सेस इज योर चॉइस एंड कीप वॉकिंग टुवर्ड्स योर सक्सेस।
सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर रोक सकता है तो एकमात्र व्यक्ति इस वर्ल्ड में है, वो है आप। सो फ्रेंड्स, अपने आप को सक्सेसफुल होने से मत रोकिए, आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए, बिकॉज सक्सेस इज आर राइट, दिस इज आर चॉइस, ये हमारा अधिकार है और इसे हमें लेना चाहिए। सक्सेस किसी भी फील्ड में, आप आपका प्रोफेशन जो भी हो, आपको सक्सेसफुल बनना है। एक सक्सेस स्टोरी आपको दूसरे सक्सेस की तरफ उत्प्रेरित करेगा, आप दूसरे सक्सेस की तरफ आप बढ़ जाएंगे, एंड इन दिस वे यू कैन राइट द सक्सेस स्टोरीज फॉर योरसेल्फ एंड यू विल बी इंस्पायरिंग अदर्स टू बी सक्सेसफुल। सो फ्रेंड्स, आपका ये लाइकिंग, वीडियो की लाइकिंग, आप वीडियो को शेयर करते रहे, ये हमें एक तरह का इंस्पिरेशन देता है कि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं, मैं पूरी एक वीडियो आपसे अब बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की वीडियो का इंतजार करते रहें और मुझे भी वीडियो बनाने में उतना ही मजा आएगा जितने आनंद से आप इसे सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।